हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रहा हूँ सत्तू पराठा, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो इसके लिए मैंने 100 ग्राम सत्तू लिया है और 250 ग्राम आटा लिया है। तो सबसे पहले हम आटा को गूंद लेते हैं। आटा में थोड़ा नमक डालेंगे, पानी डालेंगे, इसमें हल्का हल्का पानी देना है, एक साथ नहीं देना है। तो आटे का डो तैयार हो चुका है, इसे मुलायम रखना है। इसे ढक करके रख देंगे 15 मिनट। अब हम सत्तू का मसाला बनाएंगे। नमक डालेंगे, अजवाइन, कलौंजी, हींग पाउडर, बारीक प्याज, कूटा हुआ लहसुन, धनिया पत्ता, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, सरसों का तेल एक बड़ा चम्मच, नींबू का रस, इसे मिक्स कर देंगे। आप इसमें थोड़ा पानी भी ऐड कर सकते हैं और इसे सूखा ही रखना है। तो सत्तू का मसाला तैयार है। अब हम पराठा की तैयारी करेंगे। तो इस तरह से डो बना लेंगे। तो हम पराठे का स्टफिंग करते हैं। इसे इस तरह से कर देना है, कटोरी का शेप में कर देना है। इसे सत्तू का मसाला डालेंगे, फिर इसे इस तरह से कर देना है। थोड़ा आटा लगाएंगे इसमें, इसे हल्के हाथों से इस तरह से कर देंगे और बेल देंगे इसे। तो इसे अब हम तवा में सेकते हैं। तो हम एक तवा लेंगे, इसे गरम करेंगे। तो तवा गरम हो चुका है, पराठा डालेंगे, इसे पलट देंगे। पराठा को तेज आंच में ही बनाएंगे। तेल डालेंगे, इसे इस तरह से घुमा देंगे। फिर से पलट देंगे। इसी तरीके से सारे पराठे बना लेना है। पराठा तैयार हो चुका है। तो हमारा सारा पराठा तैयार हो चुका है। हम इसे दही के साथ खाएंगे। आप चाहे तो सब्जी के साथ खा सकते हैं, अचार के साथ खा सकते हैं। तो आप भी सत्तू पराठा बनाएं और एंजॉय करें और बताएं कैसा लगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।